हे वंडरफुल फैमिली, वेलकम बैक टू चैनल। आज मैं आपके साथ इस ब्लॉग में शेयर करूँगी अपनी डेली रूटीन्स। सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करने जा रही थी, मैं मैरिनेट कर रही थी पनीर को पनीर टिक्का बनाने के लिए, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पे मैंने अनियन एंड कैप्सिकम को चॉप कर लिया है, उसमें मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ कर्ड, और मैंने लेमन ऐड कर दिया है। उसके बाद मैंने एक पेस्ट बनाया था, उसमें मैंने लिया था धनिया, मिर्ची, अदरक, लहसुन और रेड चिल्ली मैंने लिया था, उस सब का मैंने पेस्ट बनाया था। ये रहा वो पेस्ट, वो मैंने ऐड कर दिया है। ये पेस्ट आप ज़रूर बना के ऐड करिएगा, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। इस पेस्ट को ऐड करने के बाद पनीर टिक्का का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, थोड़ा डिफरेंट सा टेस्ट आता है इसका, तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आपके पास पुदीना हो तो इस पेस्ट को बनाते टाइम थोड़ा पुदीना डाल दीजिएगा, मेरे पास नहीं था। यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है सॉल्ट, सॉल्ट आप अपने हिसाब से रख सकते हो, और ये बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आया था। अच्छा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर मैंने ऐड किया है तंदूरी मसाला और थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, और थोड़ा सा मैंने यहाँ पर गर्म मसाला ऐड किया था, बहुत ही थोड़ा सा रेड चिली पाउडर मैंने ऐड किया था कलर के लिए, बट धनिया की वजह से वो जो कलर नहीं आया था, बट टेस्ट बहुत ही अच्छा था, ज़रूर ट्राई करिएगा इसे। हम अपने फ्रेंड हम बारबेक्यू करने वाले थे, तो हमने सोचा कि बहुत ही अच्छा वेदर था, तो हमने सोचा कि करते हैं, और सारे भी हमारे जो फ्रेंड है वो भी आए थे। यहाँ पे मैंने पनीर को ऐड कर दिया है, सारे मसाले को अच्छे से मिक्स कर लिया है मैंने। एक बड़ा नींबू मैंने इसमें ऐड किया था, जिससे कि बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा, तो आप एक बड़ा नींबू ऐड करिएगा पूरा, तभी आपको अच्छा टेस्ट आएगा। इन सभी चीज़ों का अच्छे से मिक्स करके, मुझे बाहर जाना था तो मैं बाहर चली गई थी आज ऑफिस में, कुछ इनके ऑफिस में फैमिली के लिए पार्टी थी, तो हम वहाँ पे गए थे। बहुत ही अच्छा था, अच्छा लगा हमें, खास करके बच्चों ने बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय किया था, तो बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। यहाँ पे मिस्टी क्लाइम कर रही थी, उसे क्लाइम करके स्लाइड करना था, तो ये भी बहुत ही अच्छी एक्टिविटी थी वहाँ पे, तो उसे बहुत ही मज़ा आया। देखिए, देख सकते हो आप, वो बहुत ही ज़्यादा खुश थी यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पे खाने का भी था, तो हमने थोड़ा, क्योंकि सावन चल रहा है तो हम नॉनवेज नहीं खाते हैं सावन में, तो हमने वेज लिया था। यहाँ पे बर्गर ले लिया था हमने, और ये बीन्स की टिक्की थी, तो काफ़ी ठीक ठाक ही थी, अच्छी नहीं थी। घर आते आते यहाँ पे ओले गिरने लगे और बारिश बहुत ही भयंकर, हम टाइम से घर आ गए थे, नहीं तो फंस ही जाते हमारे आते ही 10 मिनट के बाद। जैसे ही हम आए घर में, 10 मिनट के बाद ही ये सब ओले ओले गिरने लगे, और बहुत ही बड़े बड़े गिर रहे थे। यहाँ पे अक्सर 2-3 दिन बाद ओले गिर रहे हैं, हमारे ने लाइफ में पहली बार देखा है ओले गिरते हुए, मैंने कभी भी नहीं देखा आज तक ऐसे ओले गिरते हुए। हमारे यूपी में इतने ओले गिरते नहीं हैं, तो हमने नहीं देखा है, यहीं पे हम फर्स्ट बार देख रहे हैं। और शाम को हम गए थे अपने फ्रेंड के यहाँ, तो वहाँ पे हमने बारबेक्यू किया था, उनके पास बारबेक्यू था, उन्होंने कॉर्न लाए थे और ये पनीर था और पाइनएप्पल था, ये सब किया। फिर नेक्स्ट डे इवनिंग का ये है क्लिप, हम वॉक कर रहे थे तो मिस्टी को क्रैब एप्पल खाना था, तो वो हमने तोड़ के दिया, और फिर बस जस्ट ऐसे ही वॉक कर रहे थे पार्क में, और मिस्टी ने थोड़ी देर खेला। उसके बाद शाम को हो गई थी तो हम घर चले गए। यहाँ पे मैं बेबी का फूड बना रही थी। अच्छा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा। यहाँ पे मैं रागी बना रही हूँ, तो मैंने सोचा आपके दिखा देती हूँ। इसके बाद मिस्टी के एक फ्रेंड आ गए थे, तो दोनों लोगों ने साथ में ही डिनर कर लिया था, और यहाँ पर मैं बेबी को खिला रही थी, उसने भी अच्छे से खा लिया। अच्छा, आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, नहीं लगती है तो भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगेगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। अगर थोड़ी सी अच्छी लगती है तो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही